नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन आपको इंतजार रहता है कि कब सबरंग कार्यक्रम की शुरुआत हो, राइट? क्योंकि यहाँ हम बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि जब हम अच्छी बातें सुनते हैं या अच्छी बातें देखते हैं, तो वही अच्छी बातें हमारे कर्म में भी आती हैं। और कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो हम सुंदर बातों से शुरुआत ही इसलिए करते हैं ताकि जीवन सुंदर से सुंदरतम बनता चले, जो हमारी कामना है। हम कामना ही तो करते हैं कि ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। और ये अच्छी बातें सचमुच हमें बेहतरी की ओर लिए चलते हैं। और हम शुरुआत करते हैं इसमें इस वाक्य से, आइए सुनते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। मार्क जुकरबर्ग। जीवन तब जोखिम भरा हो जाता है जब हमारे पास अपने उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होती है। जोखिम लेने का मतलब मूर्खतापूर्ण निर्णय लेना नहीं है। जोखिम लेने का अर्थ है अपनी ताकत और कमजोरियों को जानकर, सोच समझकर निर्णय लेना और सफलता की ओर बढ़ना। सुंदर सुवाक्य। मित्रों, बचपन से हम सुनते आए हैं, गांधी जी के तीन बंदरों को देखते आए हैं कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना ही बुरा बोलो। सचमुच जब अच्छा अच्छा देखेंगे और सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे भी। और जब अच्छा देखेंगे तो हमारी आंखें भी अच्छी रहेंगे, और जब अच्छा सुनेंगे तो कान भी हमारे अच्छे रहेंगे। आपकी सेहत आपके हाथ में, आज इसीलिए हेल्दी ईयर की हम बात कर रहे हैं कि जब हम अच्छा सुनेंगे तो सचमुच कान भी तो स्वस्थ रहेंगे ही। साथ ही किन किन और बातों का हम ख्याल रखें, आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे कान, जिसके बगैर हम सुन नहीं सकते हैं, कानों की बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। देखिए, नॉर्मली जो हमारी स्किन होती है अंदर, कान के अंदर जो अंदर का ईयर ड्रम होता है और बाहर की स्किन होती है, उसमें जो स्किन होती है वो अपने आप ही उतरती रहती है और उससे वैक्स भी निकलता रहता है, और उसके कारण हमारे कान में गंदगी जमा होती रहती है। तो नॉर्मली अगर हम जैसे नॉर्मली करते हैं, कई बार कोई कान में कोई भी कपड़ा, कोई चीज़ उठा करके और कान को हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं या कई बार कान को साफ़ कर लेते हैं, तो गलत है। उससे क्या होता है, कई बार हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस अंदर आ जाती है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, फुंसियाँ कान के अंदर हो सकती हैं। तो कान में अधिकतर वैसे कहा जाता है कि कान में हमें कभी कुछ डालना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आप कान में हर मंथ में एक बार लगभग आप कान में क्या करें, एक जो अपने जो वो जॉनसन बर्ड्स आती हैं, कोई भी बर्ड्स हम वैसे नॉर्मली भी बना सकते हैं, उसको स्प्रिट में सोक कर लें, और नॉर्मल जो स्प्रिट आती है और उसमें सोक करके और हम कान में अगर उसको यूज़ कर लें, कान को सफाई कर लें मंथ में एक बार, सिर्फ एक बार, तो हमारे कान साफ रहेंगे। एक तो ये कान का ध्यान रखें, दूसरा हमें अपने जो कान के जो जो अंदर के कभी भी जैसे हमें कभी जुखाम होता है, कभी स्पेशली उस समय ना कान को जो स्पेशली ब्लो आउट करना, वो थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कान में प्रेशर अधिक होता है, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो उससे हमारे अंदर कई बार हम कान के अंदर जो प्रेशर होता है उससे हमारे इन्फेक्शन, जो नाक का इन्फेक्शन है, साइनस का इन्फेक्शन, वो कान में चला जाता है, अंदर के मिडल ईयर में चला जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसके लिए बेस्ट है आप स्टीम लें सुबह शाम। अगर स्टीम, जब भी आपको जुकाम खांसी होती है तो स्टीम लेने से स्टेशन ट्यूब खुल जाएगी, उसकी कंजेशन ख़त्म हो जाती है और फिर कान की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो हमारा एक अंदर का एक तीन ईयर, ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर तो हमने बताया आपको प्रिकॉशन सफाई करने की, मिडल ईयर के लिए बताया आपको स्टेशन ट्यूब से जो ब्लॉकेज होता है उसको थोड़ा स्टीम लेने से आप ठीक कर सकते हैं, और इनर ईयर के लिए हमारी नर्व्स जो वीक होती हैं उसके लिए हमें हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, भोजन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हमारी नर्व्स, स्पेशली प्रोटीन और फैट कंटेंट हमारी बॉडी में, हमारे डाइट में प्रॉपर होगा, तो इनर ईयर हमारा अच्छा होता है। प्लस हम बहुत लाउड म्यूज़िक को, लाउड बहुत तेज़ आवाज़ों को अवॉइड करें, जिससे कि हमारी इनर ईयर, जो हमारी ऑडिटरी नर्व है, जो हमारी एट्थ नर्व है, वो ख़राब हो सकती है, उससे हमारा बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें अपने कान का भी, कान भी एक हमारे हमारे जो है शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, उसकी संभाल भी अपनी ध्यान से रखें और एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। ओम शांति।
कानों के माध्यम से हम कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनते हैं, ईश्वर का भजन, ईश्वर की स्तुति और साथ ही संसार की भी बेहतरीन बातों को जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसीलिए कानों को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। इसे स्वस्थ रखने के सुंदर संकल्प के साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में से उस ज्योतिर्लिंग की ओर जो चार धामों में से एक माना जाता है, पंच केदारों में से एक केदार माना जाता है, उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित, जिसे पांडवों के पौत्र महाराजा जनमेजय जी ने स्थापित किया और बाद में आदि शंकराचार्य जी ने जिसका जीर्णोद्धार करवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ धाम की। आइए चलते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। चारधाम यात्रा का हिस्सा होने के कारण श्री केदारनाथ धाम में कई भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। केदारनाथ का अर्थ है खेती का स्वामी। कहा जाता है कि यहाँ मुक्ति की फसल उगती है। केदारनाथ के बारे में एक किंवदंती कहती है, प्राचीन काल में नर और नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। नर और नारायण ने आशीर्वाद मांगा कि शिव हमेशा इस क्षेत्र में रहेंगे। शिव ने कहा कि जो भक्त केवल केदारनाथ के साथ नर और नारायण को देखेंगे वे सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य प्राप्त करेंगे। आइए इस कहानी के छिपे आध्यात्मिक अर्थ पर एक नजर डालते हैं। जिस खेत में मुक्ति की फसल उगती है यह वह स्थान है जहाँ परमात्मा मानव को राजयोग सिखाते हैं। याद रखें कि मुक्ति आत्मा की परमधाम में रहने वाली अवस्था है और जीवन मुक्ति शरीर के भीतर रहते हुए बंधनों से मुक्त होने की अवस्था है। राजयोग के नियमित अभ्यास से आत्मा मुक्त और जीवन मुक्त दोनों होती है। ईश्वरीय ज्ञान कहता है नर और नारायण एक ही समय में एक साथ नहीं थे। सतयुग के नारायण जन्म और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरने के बाद आध्यात्मिक शक्तियों को खो देते हैं और कलयुग में नर बन जाते हैं, और कलयुग में प्रत्येक नर को फिर से नारायण बनने के लिए शिव परमात्मा का ध्यान यानी नियमित राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। सतयुग के नारायण गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसी भी प्रकार की साधना नहीं करते हैं। आइए राजयोग का अभ्यास करें और इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके मन कितना आनंदित अनुभव कर रहा है ना? सचमुच ये दिव्य दर्शन मन को आनंदित करता है तो लगता है कि काश ये दर्शन होता रहे। एक होता है हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और एक होता है हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनसे योग लगाते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो कहा जाता है कि हम केवल ईश्वर को सुनाते हैं, लेकिन जब हम योग करते हैं तो ईश्वर की सुनते हैं, उस मिलन का आनंद लेते हैं। तो ये मिलन कैसे हो सकता है और इस मिलन की प्राप्तियाँ क्या क्या हैं, आज शिव संदेश में आदरणीय सूर्य भाई जी हम सबको यही सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ तो इस समय वे ब्रह्मा तन में प्रवेश करके जग कल्याण का कार्य कर रहे हैं और हम सभी का आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे बच्चों, मेरी मत पर चलकर सदा काल के लिए दैवी स्वराज्य प्राप्त करो, उस दैवी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। बहुत बड़ा भाग्य लेकर वे हमारे पास आए हैं, अब हमारा कर्तव्य है कि उनकी बात मानकर हम उनसे अपना सर्वश्रेष्ठ दैवी स्वराज ये परम श्रेष्ठ भाग्य भी प्राप्त करें और उनसे मिलन का भी परम सुख प्राप्त करें। भगवान से मिलन बहुत बड़ी चीज है ना? ये मिलन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त हो रहा है और इस समय हो रहा है। बस हमें एक कदम आगे बढ़ना है, अपने को
इस कलयुग की दलदल से निकालकर, अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाना है और परमात्मा के समीप पहुंच जाना है। ओम शांति। जान जाने से पहले उसे जान लेना, जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। कहते हैं परमात्मा को पा लेने के बाद, उसे जान लेने के बाद सचमुच संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और इसीलिए तो मन अतीन्द्रिय सुख से भरपूर हो जाता है, सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूरता आत्मा अनुभव करने लगती है, और वही भरपूरता चेहरे के द्वारा दिखाई देती है, और वो सबको यही आनंद प्रदान करते रहते हैं। जैसे कि ब्रह्म कुमारी के भाई बहनों को हम देखते हैं, उन्होंने जो पाया है उसे ही सब तक पहुंचाने का, सबसे ईश्वर का मिलन कराने का सुंदर कर्तव्य करते रहते हैं, जिसे हम रोज ही देख रहे हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर जी ने ब्रह्मा कुमारीज के शिमला पंथाघाटी सेवा केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर शिव ध्वजारोहण किया। राज्यपाल जी ने सेवा केंद्र के परिसर में बनाए जाने वाले पार्क का उद्घाटन कर एक सेब का पौधारोपण किया। ब्रह्मा कुमारी रजनी बहन और सुनीता बहन ने राज्यपाल जी का स्वागत व सम्मान किया। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ इस पर्व को मनाने आया हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय हैं। अंत में ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन ने सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया। ब्रह्मा कुमारी रजनी बहन और सुनीता बहन ने मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल जी को ईश्वरीय प्रसाद और सौगात देकर विदाई दी। मित्रों, कहते हैं रहमतों की कमी नहीं मालिक के खजाने में, हमें खुद ही झांक कर देखना है कहीं हमारी झोली में सुराख तो नहीं। सचमुच ईश्वर सब कुछ दे रहे हैं, वो हमारे पिता हैं, लेकिन हमने ही कहीं इच्छाओं, कामनाओं, काम, क्रोध, इन सब के वश होकर अपनी बुद्धि में सुराख, अपने जीवन में सुराख, अपनी खुशियों में सुराख तो नहीं कर लिया है। तभी तो हम अपने आप को अकेला या अतृप्त अनुभव करते हैं। क्यों ना कुछ पल निकालें और उसकी ओर देखें जो सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च हैं, हमारे माता पिता हैं। तो अनुभव होगा उस परम सुख का, परम आनंद का, परम तृप्ति का। आज इसका जरूर अनुभव करके देखें, पाएंगे कि कैसे जीवन आनंद की ओर अग्रसर होता चल रहा है। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सबके अनंत सुखों के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब